कि मिनिस्टर साहब, हम कॉरपोरेटर्स और एमएलएस के टॉर्चर से तंग आ चुके हैं आम आवाम। आपको जरूरी है कि एक बार आप बीआरएस की स्कीम लेकर आइए, ताकि वन टाइम इसका इश्यू, इसका ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस और डिविएशंस का जो हाल है वो उसको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। मेरी पार्टी की जानिब से जो म्यूनसिपल अमेंडमेंट के अंदर चार अमेंडमेंट्स, जो अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, उस अमेंडमेंट्स का खैर मकदम करता हूं। हमारी पार्टी इस अमेंडमेंट्स को सपोर्ट करती है, और साथ ही साथ जो ख़ास तौर के ऊपर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब को ये कहना चाहूँगा कि जो आप एक कॉरपोरेटर डिवीज़न के अंदर चार हिस्सों में उसको तकसीम कर कर चार वार्ड मेंबर्स, वार्ड कमेटीज़ उसको बना रहे हैं, उसके अंदर उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आप दिए हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप दिए हैं कि आप 80% ऑफ ग्रीनरी मेंटेन करना, जितने भी प्लांटेशन स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन करना, यहाँ तक के इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस को भी वो लोग फॉलोअप करना। मैं अब आने वाले इंतखाबात है और ये बिल है जिसमें महिलाओं को 50% रिजर्वेशन जो गुज़िश्ता में जियो के ज़रिए किया गया था, अब आप इसको बिल लेकर आकर 50% ख़वातीन को इसके अंदर रिजर्वेशन दे रहे हैं। हम इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि मिनिस्टर साहब, हम कॉरपोरेटर्स और एमएलएस के टॉर्चर से तंग आ चुके हैं आम आवाम। आपको ज़रूरी है कि एक बार आप बीआरएस की स्कीम लेकर आइए, ताकि वन टाइम इसका इश्यू, इसका ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस और डिविएशंस का जो हाल है वो उसको एक सही रास्ता दिखा सके। आज जो भी लोग डिविएशन कर रहे हैं वो बल्दिया के हमले से ज्यादा कॉरपोरेटर्स और एमएलए से तंग आ चुके हैं, वो लोग ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप एक बार बीआरएस स्कीम लेकर आकर इसको रेगुलराइज कराइए, ताकि जितने भी बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं वो आवाम जो बना रही है, जो लोग गरीब लोग जो बना लिए हैं उनको राहत मिले, आपके बिल्डिंग्स भी आपका स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं। तो मैं आपके जरिए इस मौके का फायदा उठाते हुए कहूंगा कि आप एक फाइनल बीआरएस स्कीम लेकर आइए, ताकि आवाम को इसका फायदा हो सके। और इसके अलावा जो जो भी आपने कहा है, जो अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, इसका हम खैर मकदम करते हैं। अगर आप इसको खबलस वक्त ही अमेंडमेंट्स अगर से देते तो इससे और ज़्यादा हम इसके अंदर बात कर सकते थे। बहरहाल आप, हम आपके इस अमेंडमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। माधवरंग कृष्णराव गारू।